इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को है, लेकिन एक सप्ताह पहले से ही राजधानी पटना की बात करें तो हर चौक चौराहे पर तिलकुट के बाजार सज गए हैं। ऐसी धारणा भी है कि तिल खाने के बाद शरीर में गर्मी आती है, जिस वजह से लोग तिलकुट का प्रयोग करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के कदम कुआं इलाके में, और हमारे सामने जो दुकान मौजूद है वो इस दुकान की बात कर ले तो लगभग 30 वेराइटीज़ के तिलकुट हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ अलग अलग जो तिलकुट के वेराइटी आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ गुड़ के भी हैं, कुछ खोया के भी हैं, बादाम के भी हैं, अलग अलग कहें यूँ कहें तो लगभग 30 वेराइटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों के अंदर जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस बार कोरोना के बाद कहें तो तिल के बाज़ार में भी इस बार इजाफा आया है। ऐसे में हम यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे भी बात करेंगे, क्या इस बार तिलकुट का कोई कितना वैरायटी है आप लोग के पास? वैरायटी तो 25-30 पीस लगभग वैरायटी होता है, और लगभग हम लोग दुकान को जो है 2011 से शुरू किया है। आज बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है, पब्लिक में अच्छा इसका वैल्यू गया है, और आने वाला समय में बढ़ते ही जा रहे हैं ग्राहक। और हम लोग गुड़ का जो तिलकुट बनाते हैं वो रावा से बनाते हैं, इसलिए क्वालिटी में बहुत बड़ा चेंज हो जाता है, खाने में टेस्ट बढ़ जाता है, और कानपुर का तिल रहता है और थोड़ा सा भुजैया हम लोग करते हैं और रावा से बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टेस्टी बढ़ जाता है, इसलिए ग्राहक जो है बहुत ज़्यादा लाइक किया है तिलकुट को। जो हरिओम सुधा तिलकुट है यहाँ मेरा कदम कुआं में, वो डेयरी वाला सुधा नहीं है, ये हरिओम सुधा हम लोग का है। बच्ची के नाम से दुकान खुली थी, 2011 में स्टार्ट हुआ था, आज बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। लोग सिटी से कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, और यहाँ सफाई के मामले में बहुत शुद्धता के साथ बनाया जाता है। हम लोग तो बोर्ड में 110% लिख दिया है, लेकिन बहुत अच्छा, माने लास्ट स्टेज है शुद्धता की, माने कोई ज़रा सा भी कमी नहीं रहता है, सब चीज़ देख रेख में बनता है हमको। ये बताइए कि इस बार आपने जैसा बताया कि 25-30 वैरायटी है, सबसे ज़्यादा डिमांड कौन सी वैरायटी का है? डिमांड यहाँ देखिए शुगर फ्री का भी होता है और गुड़ वाला तिलकुट का, ये खोआ में भी बनाते हैं, और माने तिलकुट का वैरायटी में कई तरह का है, गुड़ का ही तिलकुट का ज़्यादा मांग होता है, गुड़ का और चीनी का। जितने वैरायटी है सारा आप लोग यहीं पे बनवाते हैं या फिर? सब यहीं पर बनता है, कुल टोटल आइटम यहीं बनता है, तिल से जितने भी आइटम है यहाँ पर बनता है। इस साल नया क्या है? नया क्या है, मकर संक्रांति देखिए बहुत अच्छा रहेगा, और लोग को माने तिल खाना बहुत अच्छा लगता है और टेस्टी भी होता है, और उसमें कैल्शियम होता है तो इसलिए ज़्यादा खाना ज़्यादा है, पहले ही से शुरू हो गया है, लोग एक महीना पहले से लोग खा रहे हैं। काला तिल का वैरायटी बनाए हैं हम, काला तिल का लड्डू इतना बढ़िया टेस्टी बना है कि हम क्या बताएं, बहुत टेस्टी बना है, उसका बिस्किट भी बनाते हैं और लड्डू भी बनाते हैं, इसलिए बहुत अच्छा है, डिमांड ज़्यादा है। हम यहाँ के कारीगरों से भी जान लेते हैं कि कैसे आप लोग बना रहे हैं? चीनी और तिल से बनाते हैं। आप लोग का एक्सपीरियंस कितने दिन का है, कब से बना रहे हैं? एक्सपीरियंस है हो गया 10 साल। इस बार बताया जा रहा है खोआ का डिमांड ज़्यादा है, खोआ वाली तिल, वो कैसे बना रहे हैं? इसी तरह से कूट के उसमें जो अच्छा वाला खोआ है उसमें डालकर मोड़ा जाता है, सुधा का खोआ डलाता है। सुधा का कहाँ से आप लोग? गया से, मौंगन क्षेत्र। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गया का तिलकुट बहुत फेमस होता है, लेकिन हमारे साथ जो कारीगर मौजूद है वो सारे के सारे गया से हैं, ये भी इस दुकान की खासियत है। आप देखिए कि कैसे किस तरह से बनाया जाता है। इसको बनाने का प्रक्रिया क्या है? इसका है कि खोटा आता है तो तिल में गलाया जाता है, चीनी का है और गुड़ का है, हाँ लट्ठा आता है। अभी आप लोग इसमें गुड़ डालें या चीनी डालें? गुड़ है, गुड़ का खोटा है। तो आपने देखा कि ये आज जो डिमांड है तिल का वो संक्रांति को लेकर के बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से लगातार जो तिल का मार्केट है वो सज चुका है, और सौंधी खुशबू बहुत दूर तक जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद थे जिनसे हमने बात भी किया कि इस बार डिमांड तिल के सबसे ज़्यादा जो वैरायटी है उसमें खोआ और गुड़ के तिलकुट का ज़्यादा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कशिश न्यूज़ के लिए अंकिता सिंह की रिपोर्ट।